नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। राज्य सरकार अक्सर अपने कई कानून को आम नागरिक के हित में बदलने का काम करती रही है, जिसके तहत ही अब बिहार सरकार ने अपने 30 साल पुराने एक और कानून को बदल दिया है, जो कि है अनुकंपा पर बहाली का कानून। जी हां, आपने सही सुना, बिहार सरकार ने लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए अब अनुकंपा के आधार पर होने वाली बहाली को लेकर निर्णय लिया है कि अगर पति पत्नी सरकारी सेवा में हो, उनमें से किसी एक का निधन हो जाए, तब भी उनके आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी दे दी जाएगी। इसको लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने 5 अक्टूबर 1991 के अपने आदेश को संशोधित कर दिया है। इस संशोधन के बारे में विभाग के प्रधान सचिव चंचल कुमार के हवाले से अधिसूचना जारी कर दी गई है। सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि मृत सरकारी सेवक के पति या पत्नी के पेंशनर होने की स्थिति में भी उसके आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति का लाभ देना होगा। यदि उक्त आश्रित के द्वारा अनुकंपा नियुक्ति के अन्य अहंताएं पूरी की जाती हो, अब तक जारी नियम के मुताबिक यदि पति पत्नी सेवा में हो और किसी एक की जान किसी कारणवश चली जाए, तो वैसी स्थिति में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का लाभ उनके परिवार के किसी सदस्य को नहीं मिल रहा था। 1991 के पहले तक ऐसे मामले में आश्रितों को वर्ग 3 और 4 के पदों पर अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिल जाती थी, लेकिन 1991 में नियम में संशोधन के बाद इस नियम को हटा दिया गया था। हालांकि इस नियम में कई बार मंथन किया गया, वहीं लोगों ने इस नियम में संशोधन करने की मांग की। ऐसे में विभाग ने 1991 में बने नियमों को अमान्य कर 30 साल बाद फिर से पुराने नियम लागू कर दिए हैं। लगातार सामान्य प्रशासन विभाग के पास ऐसी शिकायतें आती रहती थी कि मृत सरकारी सेवा के पति पत्नी में से किसी एक पेंशनर में से अगर दूसरे की जान सेवा काल में ही चली जाती है, तो सेवा काल में मृत सरकारी सेवा के आश्रितों को सरकारी नौकरी दी जा सकती है या नहीं। इसको लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने इस मुद्दे पर विधि विभाग की राय मांगी थी। विधि विभाग के पास उदाहरण के तौर पर एक मामला दिया गया था। विधि विभाग का यह मानना था कि पति पत्नी में कोई एक अवकाश ग्रहण कर चुका है, तो किसी एक की कार्यकाल के दौरान जान चली जाती है, तो ऐसे में जान गंवाने वाली सरकारी सेवक के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर बहाल किया जा सकता है, क्योंकि सेवानिवृत्त के बाद किसी को सरकारी सेवक नहीं माना जा सकता। सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना के अनुसार अनुकंपा आधारित बहाली में छूट के बावजूद आश्रित को अन्य मामले में कोई छूट नहीं दी जाएगी। उन्हें जिस वर्ग में नियुक्ति दी जाएगी, उसके लिए तय योग्यता की अन्य शर्तें पूरी करनी होगी। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।